नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीरोडोल स्पास टैबलेट का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, जीरोडोल स्पास टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और जीरोडोल स्पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जीरोडोल स्पास टैबलेट का उपयोग मुख्य रूप से पेट दर्द को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा पथरी का दर्द होने पर और महिलाओं में मासिक धर्म के दौरान भी दर्द से राहत पाने के लिए जीरोडोल स्पास टैबलेट का उपयोग किया जाता है। जीरोडोल स्पास एक ब्रांड नेम है। जीरोडोल स्पास टैबलेट के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन एसिक्लोफिनेक 100 mg और ड्रोटावेरिन 80 mg होता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीरोडोल स्पास टैबलेट को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। जीरोडोल स्पास टैबलेट को खाना खाने के बाद लेना रेकमेंडेड होता है। आमतौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को डॉक्टर जीरोडोल स्पास टैबलेट को दिन में 2 बार लेने की सलाह देते हैं। जीरोडोल स्पास टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना जीरोडोल स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीरोडोल स्पास टैबलेट की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में जीरोडोल स्पास टैबलेट की वजह से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट व्यक्तियों में जीरोडोल स्पास टैबलेट की वजह से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना, चक्कर आना, सीने में जलन और मुंह में सूखापन होना आदि साइड इफेक्ट्स जीरोडोल स्पास टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन कंडीशंस में जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं होता है। जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए और ऐसी मशीनों पर काम भी नहीं करना चाहिए जिन पर काम करने के लिए अधिक मानसिक सतर्कता की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेने के बाद कुछ व्यक्तियों को चक्कर आ सकते हैं। लिवर या किडनी की कोई गंभीर बीमारी होने पर जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति को किडनी या लिवर की कोई गंभीर बीमारी है तो ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को जीरोडोल स्पास टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो ऐसे व्यक्तियों को जीरोडोल स्पास टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्टर को भी बताना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं जीरोडोल स्पास टैबलेट को ले सकती हैं या नहीं। प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए जीरोडोल स्पास टैबलेट का सेवन करना रेकमेंडेड नहीं है, इसलिए प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीरोडोल स्पास टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को जीरोडोल स्पास टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका जीरोडोल स्पास टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।